वेलकम टू मंजूस किचन। मंजू किचन में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आप। आज मैं लाई हूँ बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी, और वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हम बैंगन का भरता उस पर तेल लगाकर और गैस पर भूनकर बनाते हैं, लेकिन मैं इसको बनाऊंगी अलग स्टाइल में, क्योंकि कई बार इसमें कीड़े होते हैं और हमको पता नहीं चलता भूनते समय। और फ्रेंड्स, इसको तेल लगाकर गैस पर भूनने से गैस के छेद भी बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको बैंगन को काट कर थोड़ा सा बॉईल करेंगे, फिर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका छिलका छीलेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, ये 2 बड़े वाले बैंगन थे। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको काट छील लिया है। अब इसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और फ्रेंड्स, बैंगन हमेशा पानी में ही काटनी चाहिए, अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये काले पड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको ऐसे काट कर हम कुकर में इसको 1 सीटी लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, बैंगन मैंने बिल्कुल ध्यान से खरीदे थे, इसमें कोई छेद नहीं था, लेकिन अंदर से देखिए ये छोटा सा छेद नज़र आ गया, और अगर हम भूनते तो ये छेद पता नहीं चलता। अब इसको भी मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, ये देखिए अंदर तक छेद है। अब इसको ऐसे काट कर और उबाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुकर में ये बैंगन के पीसेस डाल दिए हैं, और इसमें अभी बिल्कुल पानी नहीं है, और मैं सिर्फ 1/2 ग्लास पानी इसमें डालूंगी, क्योंकि बैंगन में पानी छोड़ता है। और इसको ये कुकर बंद कर सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारे बैंगन उबलते हैं तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं बैंगन का, बैंगन के भरते का। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, और इसको ऐसे लंबा लंबा काटेंगे तो भरता हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। और 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी ऐसे चॉप कर लिया मैंने। और 4 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, फ्रेंड्स इसको मैंने पीस लिया है, आप चाहें तो आप काट भी सकते हैं। और 2 हरी मिर्च लिए हैं। और फ्रेंड्स आइए चलते हैं, छौंक बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, और इसमें ये 3 बड़े चम्मच हम रिफाइंड डालेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप सरसों के तेल में भी बना सकती हैं, उसमें ही भरता बहुत अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, ये रिफाइंड गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा, इसको तड़कने देंगे अभी। फ्रेंड्स, हमारा जीरा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी और लहसुन भी डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, जब ये थोड़ा पिंक कलर का हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारी प्याज भुन चुकी है, इससे ज़्यादा हमको नहीं भुनना है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं अब टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ, और इसको भी धीमी आंच पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर हमारे जल्दी गल जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे कुकर की सीटी भी बज चुकी है, और मैंने गैस बंद कर दी है। फ्रेंड्स देखिए, हमारे टमाटर भी थोड़े गल चुके हैं, अब मैं इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च और नमक डाल दूँगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है, और 1.5 चम्मच धनिया लिया है, और 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, और ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया था, थोड़ा सा पहले डाल दिया था, और थोड़ा अब डालूंगी, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फ्रेंड्स, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद ही धीमी आंच पर थोड़ा इसको भूनना है। और फ्रेंड्स, हमारा कुकर भी खुल चुका है, अब मैं उस बैंगन को भी छान लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुकर खोल दिया है, और देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी है, और इसको भी हम छान लेंगे छलनी से। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको छलनी से छान लिया है, अब मैं इसको चम्मच से ही ऐसे मैश कर दूंगी, ज़्यादा मैश नहीं करना है इसको, चम्मच से ही हल्का हल्का मैश कर देंगे, और गर्म में। और हमारा छौंक भी रेडी है, और छौंक में ये बैंगन डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमको इतना ही मैश करना है इसको, अब हम इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। फ्रेंड्स, मैं ये अदरक डालना भूल गई थी, तो ये मैं अदरक भी डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब मैं ये बैंगन मैश कर रही हूँ, इसमें डाल देती हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, कम से कम 5-6 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाएंगे, जिसमें ये छौंक बैंगन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने अब गैस तेज कर दी है, और मैं इसको छौंक को बैंगन में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जितना हम ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बैंगन का भरता अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास मटर हैं तो आप मटर भी इसमें डाल सकती हैं उबाल कर। इस टाइम इस स्टेज पर आप मटर डाल सकती हैं, 1 कटोरी मटर भर के डाल सकती हैं, वो भी भरते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे चलाते हुए, अब ये भरता पूरा रेडी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स जल्दी इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बैंगन का भरता। और फ्रेंड्स, सर्व करने से पहले ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, तो इस भरते का टेस्ट और बढ़ जाएगा, और बहुत ही टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स, मेरी फैमिली को तो ये भरता बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा बनाया है। और अब बाकी आप अपने हिसाब से बनाएं।
और फ्रेंड्स बनाकर जरूर देखिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका बैंगन का भरता कैसा बना है और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये भी बताइए। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स इस भरते को आप लच्छा परांठा के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ और उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।